अक्षय तृतीया को काफी शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दिया गया दान पुण्य काफी लाभदायक होता है। इसी के चलते कन्या का दान भी पिता के द्वारा किया जाता है, जिससे उसके जीवन में अक्षत बना रहे और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आए। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्रकार का दान नहीं किया जाएगा। साथ ही शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य भी इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर नहीं होंगे। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अलकनंदा शर्मा ने बताया कि इस बार गुरु तारा जो कि मांगलिक कार्यों का सूचक है, अस्त होने की वजह से इस बार मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। वहीं अक्षय तृतीया के मौके पर इस बार सावे नहीं होंगे। जो अक्षय तृतीया है उसमें इस दिन सावे या विवाह लग्न का मुहूर्त और खूब सारी शादियों के दिन होता है, पर इस बार ये अक्षय तृतीया के दिन विवाह लग्न मुहूर्त नहीं है। कारण कि इस बार गुरु तारा जो मांगल्य का कारक है वो अस्त है। 30 मार्च 2023 को तारा अस्त हुआ है गुरु, जो 28 अप्रैल 2023 को उदय होगा। इस कारण से इस बार 22 अप्रैल 2023 को जो अक्षय तृतीया आ रही है, वैशाख शुक्ला अक्षय तृतीया तृतीया के दिन, उस दिन तारा अस्त होने के कारण विवाह लग्न मुहूर्त नहीं है। कारण के ना यहाँ अक्षय तृतीया का जो महत्व है, इस दिन जो दिया गया दान वो अक्षय होता है, तो अक्षय के लिए यहाँ कन्या का दान भी एक महादान मानते हुए इसका ना इस दिन कन्या का दान करने की परंपरा को लेते हुए विवाह लग्न मुहूर्त अबुझ मुहूर्त में आते हैं। परंतु जहाँ हम अगर हम ज्योतिष की बात करें या धर्मशास्त्र की बात करें, तो मांगल्य का जो कारक है वो गुरु तारा अगर अस्त है तो निश्चित रूप से उसके मांगल्य उसके पति सुख में कुछ न कुछ कमी दे सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस दिन विवाह लग्न के लिए आप ना इस कन्या का दान की परंपरा जो है उसमें नहीं करें तो ठीक रहेगा।